हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस पर। और हाँ, आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। कॉपी किताब लेके बैठ जाइए, और कॉपी किताब नहीं लिए हैं और इस तरह से वीडियो खोल दिए, अरे महाराज कॉपी किताब लेकर बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर कोई आदमी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें मन करता है कि और नया वीडियो लेकर आए, मुझे बहुत खुशी होती है। वैसे आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि एक समय था एमएस क्लासेस पे सिर्फ एक स्टूडेंट था, आज 1700 स्टूडेंट्स होने जा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। क्या 1700 स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे आ चुके हैं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपने और भी कोई दोस्त हैं जिनको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें आप एक लिंक को शेयर कर दीजिए, कोई भी मेरा लिंक, या तो चैनल को शेयर कर दीजिए, और नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उनको कह दीजिए कि हाँ जो क्वेश्चन में डाउट है सर के पास मैसेज कर दो, फोटो क्लिक करके, क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके, ताकि मैं वो क्वेश्चन देख लूं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो में ला सकूं। और रही बात व्हाट्सएप नंबर की, तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं। चलिए, बहुत हम लोग समय वेस्ट किए, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट मतलब एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका पेरीमीटर कितना है, 100 सेंटीमीटर। ओके, इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, अगर लेंथ जो है 35 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स ब्रेथ, आपको उसका ब्रेथ फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया, और आपको एरिया भी फाइंड करना है। तो देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। आप देखो, ये एक हमारा रेक्टेंगुलर शीट हो गया, ये रेक्टेंगुलर शीट हो गया, क्लियर। अब इस रेक्टेंगुलर शीट का क्या है, पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है। अब देखिए, यहां मान लीजिए ए बी और ये सी और ये डी है, इसका पेरीमीटर जो है, मतलब ये यहां सब ये लेके ये सब पेरीमीटर जो गिवेन है वो 100 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है पेरीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो पहले आप लिख लो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर कितना है, जल्दी से इसे लिख लीजिए, 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको पता है कितना होता है, पता है ना, बहुत अच्छी बात है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2 × L + B इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यानी रेक्टेंगुलर शीट है उसका पेरीमीटर कितना है, 100 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कितना होता है, 2 × L + B। जल्दी बोलिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 × L + B। जल्दी बोलिए एक बार फिर से, मैं फॉर्मूला याद करा रहा हूं, हंसिए मत, हंसाने के लिए मैं नहीं आऊं, आपको फॉर्मूला भी याद करा रहा हूं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × लेंथ + ब्रेथ, 2 × लेंथ + ब्रेथ। बहुत अच्छा, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, लेंथ, लेंथ हैज गिवन, आप यहां पे क्या करो कि लिख लो लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ 35 दिया है, 35 + ब्रेथ, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ ही तो निकालना है ना, ब्रेथ फाइंड करना है, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये 2 जो है मल्टीप्लाई करे दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, टू 5 जे 10, 1 0 लग गया 50, यानी कि ये 10 नहीं है, ये 35 बी है, क्या है बी, ये देखिए ये 10 नहीं है, ये बी है,
टू जाके 100 को डिवाइड किया तो क्या हुआ, 50 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया, ये 50 हो गया। अब देखिए यहां लेंथ जो है 35 है, 35 क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, इसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा, यानी हमें ब्रेथ भी पता चल गया कि ब्रेथ कितना होगा। देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू, ये 50 आया ना, 50 माइनस 35, यानी 50 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा, 50, यानी ब्रेथ जो हमारा आया 1515 आया, ब्रेथ कितना आया 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना आया 15 सेंटीमीटर, इसे राइट कर लीजिए, ब्रेथ कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, इसे जल्दी से लिखिए। तो देखिए लेंथ दिया हुआ था 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे दिया है 15 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ हमने निकाला है और लेंथ दिया था पहले से। अच्छा तो दोनों हमें मिल गया, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, लिख दीजिए यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना है हमारा 35, ब्रेथ कितना है 15, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर चेक कर लेंगे कितना हो रहा है, जरा एक बार मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 35 लिख दिया यहां, 50 लिख दिया। अब देखिए 525 का 5 कैरी 2, 53 जा 15 और 2 17, 15 जा 5, 13 जा 3, ये 5 हो गया, 7 और 5 कितना होता है 12 होता है, बहुत अच्छा, 314 और 15, यानी फाइनली आ गया 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होगा एरिया 525 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखिए ये रफ मैंने इसलिए किया कि किसी बच्चे को हो सकता है कि मल्टीप्लाई में दिक्कत हो, वो इसे सीख सकते हैं, आई बात समझ में, तो फटाफट इसको नोट ही कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर करता हूं, लेंथ और ब्रेथ देखिए यहां लिखा हुआ है, क्लियर, बहुत अच्छा, लिख लीजिए जल्दी। तो अब हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, फोर्थ नंबर तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। फिफ्थ नंबर है एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज अ रेक्टेंगुलर पार्क, कहने का मतलब यह है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दोनों सेम है, एक रेक्टेंगुलर शेप में एक पार्क है और एक स्क्वायर के शेप में पार्क है, दोनों का एरिया जो है क्या है, सेम है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, अगर साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क जो है वो 60 मीटर है एंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क जो है वो 90 सेंटीमीटर है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, आप ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बताओ, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ जो है वो कितना होगा ये आप मुझे बता दीजिए। सबसे पहले जिस तरह से क्वेश्चन दिया है वैसे हम लोग लिखते चलें ताकि हमें कुछ आइडिया लगे, क्या दिया है कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर दोनों सेम है, इसे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, आप अपने अकॉर्डिंग भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हर लोग अपने अकॉर्डिंग लिखता है, जिसको जिस तरह से अच्छा लगे, मैंने जिस तरह से पढ़ा उसको मैंने लिख दिया कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एंड एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क दोनों सेम है, तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर दोनों इक्वल है। तो अब दूसरा बात यह है, और क्या दिया है इसमें, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कि मीटर में,
60 मीटर है, 60 मीटर। देखिए साइड ऑफ स्क्वायर पार्क दिया हुआ है 60 मीटर है, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क कितना है 60 मीटर। आपको क्या करना है, दिमाग थोड़ा सा लगाइए, और क्या दिया हुआ है, LENGTH, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क 90 मीटर। ज्यादा दिमाग लगाइए आप, स्क्वायर पार्क का जो साइड है 60 मीटर दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो है 90 मीटर। देखिए रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ दिया है लेकिन ब्रेथ नहीं दिया है। अगर आप पेरीमीटर निकालते हो या एरिया निकालते हो तो आपको रेक्टेंगुलर पार्क के लिए ब्रेथ चाहिए, लेकिन साइड ऑफ स्क्वायर हैज गिवन, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क का जो है दिया हुआ है, तो आप चाहो तो स्क्वायर पार्क का एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि देखो यहां लिखा है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, तो जब स्क्वायर का साइड पता है तो आप उसका एरिया निकाल लीजिए, स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिएगा तो आपको रेक्टेंगल का भी एरिया पता चल जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम है। अब रेक्टेंगल का जब एरिया आपको पता चल जाएगा और लेंथ दिया है तो रेक्टेंगल का क्या मिल गया, एरिया मिल गया, लेंथ मिल गया, ब्रेथ आप निकाल सकते हो, इजी वे में निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो बता दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। फॉर्मूला क्या होगा, हाँ साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड यानी 60 × 60, 6×6=36 हो जाता है, 2 जीरो लग जाएगा, 36 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अपने स्क्वायर निकाल दिया, स्क्वायर पार्क का एरिया निकाल दिया, इसे लिख लीजिए फटाफट। आप लोग एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क तक तो लिख चुके हो, बहुत अच्छी बात है, अब थोड़ा दिमाग लगाना। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क आपने लिख लिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का कितना है, 3600 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, लेंथ है 90 मीटर और ब्रेथ है, ब्रेथ तो दिया ही नहीं है, ब्रेथ आपको निकालना है शायद से, यस ब्रेथ निकालना है। यहां देख लीजिए, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा क्यों समझिएगा, ज्यादा समझिएगा महाराज। देखिए यहां लेंथ जो है ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर रहा है, जब आप इस लेंथ को दूसरे तरफ लेकर आइएगा तो वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्या करेगा डिवाइड करेगा, दिख रहा है आपको, ये 90 जो मल्टीप्लाई करेगा वो क्या करेगा, दूसरे तरफ जाके डिवाइड करेगा। तो चलिए अब मैं आगे वाले इस सबको मिटा दूं, थोड़ा लिख लीजिए इतना जल्दी से, देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू, ये देखिए 90 जो है यहां पे ये दूसरी तरफ आएगा यानी 3600 ओके मीटर स्क्वायर जो एरिया है, 90 आ गया इधर। अब देखिए इसको कट करेंगे, ये जीरो से जीरो कट गया, बहुत लोगों को काटने नहीं आता है, यहां पे सीख सकते हो आप काटना, जीरो से जीरो काट दिए हम, 9 की टेबल में 36 कितने बार में आता है, 4 टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में 36 काट दिया, अब एक जीरो तो ये बचा, अब इस जीरो को यहां लगा दीजिए, यानी कि फाइनल देख लीजिए ब्रेथ जो है 40 मीटर है, ब्रेथ कितना है 40 मीटर। तो रेक्टेंगल का हमें लेंथ पहले से पता था, ब्रेथ भी हमने निकाल लिया, अब एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है पता है,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या एरिया भी निकालना है? क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट। देखिए जी, रेक्टेंगुलर पार्ट का केवल ब्रेथ निकालना था, हम लोग ब्रेथ निकाल चुके हैं, 40 मीटर आया हमारा ब्रेथ, हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे जैसे मैं सॉल्व करना सिखाया हूं, वैसे वैसे आप कोशिश कीजिएगा, एकदम बनेगा 100%, ये गारंटी है। अब हम लोग सिक्स नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन को जरा देखिएगा लोग। ए वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल। एक वायर जो है वो रेक्टेंगल के शेप में है। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। मतलब एक वायर जो है रेक्टेंगल के शेप में है, ये रेक्टेंगल है। अच्छा, एक वायर जो है रेक्टेंगल के शेप में है, ओके। अब कहता है कि वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, इसका लेंथ जो है 40 सेंटीमीटर है, ओके, एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर, और ब्रेथ जो है 22 सेंटीमीटर है। यहां तक डन। फिर कहता है इफ द सेम वायर इज रिबेंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर, सेम वायर को आप स्क्वायर के शेप में बना देते हो, वही वायर लेते हो और उस वायर से स्क्वायर बना देते हो, ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, पता है, स्क्वायर बनाते हो। What will be the measure of each side? What will be the measure of each side? Also find which shape encloses more area. मतलब क्या होगा इसका each side? और एक चीज और आपको पता करना है कि which shape encloses more area? तो देखिए इसका side पूछ रहा है। What will be the measure of each side? इसका side पूछ रहा है कि भाई इसका side बता दीजिए कितना होगा। एक बात समझिएगा अच्छे से। ये वायर है और इस वायर से एक रेक्टेंगल बना दिए, 40 सेंटीमीटर लेंथ हुआ, 22 सेंटीमीटर ब्रेथ हुआ। इसी वायर को फिर हम यहां से मान लीजिए कट कर दिए, कट करके वायर को लंबा कर दिए और उस वायर से स्क्वायर बना दिए, तो जो पेरीमीटर इसका होगा वही पेरीमीटर इस स्क्वायर का भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेम वायर है। अगर मान लीजिए 5 मीटर लंबा, चाहे 5 मीटर तो नहीं, ये 20 सेंटीमीटर लंबा एक वायर आप लेते हो, 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का, और उस 20 सेंटीमीटर वायर से आप रेक्टेंगल बनाते हो और फिर उसी 20 सेंटीमीटर वायर से एक स्क्वायर बनाते हो और उसके बाद पूछते हो किसी से कि बताओ कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा। कोई भी बच्चा देखेगा कि भाई इस वायर जो है, ये जिस वायर से तुम रेक्टेंगल बनाए हो इसका लेंथ कितना है, तो बोल देगा फटाक से 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर के वायर से तुमने रेक्टेंगल बनाया तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर होगा। इसी 20 सेंटीमीटर वायर से तुमने स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर का भी पेरीमीटर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर ही होगा। इसी 20 सेंटीमीटर वायर से तुमने एक सर्कल बना दिया, क्या बना दिया, सर्कल बना दिया और पूछा जाए कि भाई अब इस सर्कल का सर्कमफेरेंस बताओ, सर्कमफ्रेंस क्या होगा, तो उस सर्कमफ्रेंस भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। ये मेन कॉन्सेप्ट था, समझ में आया। अब देखिए जरा, तो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर पहले फाइंड कीजिए, फिर हम लोग इसका साइड निकाल लेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता है महाराज? अरे कितना बार आप लोग को याद करें, याद करवाना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। अरे भैया किस तरह से आप लोग को याद करवाएं, याद हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखिए यहां पे 2, एल कितना है 40 सेंटीमीटर प्लस 22 सेंटीमीटर, गर्दा उड़ा देना है। 40 और 22 को जब प्लस कीजिएगा तो क्या होगा, 2 लिख दीजिए, 4 2 6 62, 62 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 124 सेंटीमीटर आया। देखिए
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आया 124 सेंटीमीटर। दो स्क्वायर का भी पेरीमीटर कितना होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा 124 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम वायर से रेक्टेंगल बनाया और सेम वायर से स्क्वायर भी बना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाल लिया, जल्दी से इसे लिखिए। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 124 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 124 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दीजिए यहां पे, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 124 सेंटीमीटर। अब यहां 4 जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको दूसरी तरफ भगाइए, जल्दी जाओ। देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 124 अपॉन 4, कट कीजिए 4 3 जा 12, देखिए यही मेन कला है 4 1 जा 4, यानी साइड जो होगा वो 31 सेंटीमीटर होगा। साइड कितना होगा 31 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, हमने स्क्वायर का साइड निकाल लिया। क्वेश्चन था ना कि स्क्वायर का साइड कितना होगा, तो हमने स्क्वायर का साइड निकाल लिया। अब हमें निकालना है, अब क्वेश्चन उसमें और है, कहता है ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया। आपको यह भी बताना है कि कौन सा शेप जो है वो अधिक एरिया कवर कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है। तो साइड ऑफ साइड कितना होगा स्क्वायर का 31 सेंटीमीटर, साइड होगा 31 सेंटीमीटर, साइड कितना होगा 31 सेंटीमीटर। अब आप क्या करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो। आप इजिली निकाल के पता कर लोगे कौन सा शेप जो है अधिक एरिया मतलब इनक्लोज कर रहा है। तो जल्दी से इसे लिख लीजिए। देखिए अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला था लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ 40 है, ब्रेथ 22 है। यहां देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 88, यानी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा इसका। अब एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर तब तो पता करेंगे कि कौन अधिक एरिया इन ये कर रहा है, ये भी जानना जरूरी है। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड कितना आया था 31 सेंटीमीटर, गुड। एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, ये 31 इंटू 31 मल्टीप्लाई कीजिए, जल्दी से फटाफट कीजिए और फटाफट कमेंट में भेज दीजिए कि सर इतना होगा, कितना होगा 961। किसने भेजा भाई ये कमेंट में, ये हो गया 31, 3 3 और 3 9, यस बहुत अच्छा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर हुआ। अब देखो आपके सामने है, ये हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाला है जो कि 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाला है जो कि 961 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप बताओ कौन सा शेप अधिक एरिया इंक्लोज कर रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है अधिक इंक्लोज कर रहा है एरिया, तो आप लिख सकते हो उस चीज को, पहले से लिख लीजिए, लिख लिए बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो को रोक के पॉज करके लिख लीजिए। अब हम लिखते हैं आगे, अब लिख सकते हो आप एरिया ऑफ स्क्वायर एनक्लोजेस मोर एरिया, स्क्वायर का एरिया जो है वो अधिक इंक्लोज कर रहा है। चलिए ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, टोटल तो नहीं सॉल्व किए हम लोग, लगभग किस नंबर तक किए थे, 6 नंबर। पहला जो वीडियो था 1 2 3 था उसमें, ये हमारा वीडियो 4 5 6 हो गया, अगला वीडियो होगा वो उसमें 7 और 8 होगा। हम आपसे लेते हैं इजाजत, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ना, इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। बाय, फिर आएंगे। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ लोगों का मैसेज आता है कि सर एमएल अग्रवाल से बनाइएगा क्वेश्चन, एमएल अग्रवाल से कौन सा एक्सरसाइज बनाएंगे भाई आप बताओ, केवल एमएल अग्रवाल कमांड दे दिए, एमएल अग्रवाल का क्वेश्चन आंसर लेकर आओ, कौन से
एक्सरसाइज जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप नंबर निकालिए और निकाल के फटाफट मैसेज कीजिए कि सर ये क्वेश्चन था। बाय बाय।